हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि चर्चा में आने का क्या फ़ायदा होता है। आपको आप लोग देखते हुए कि नेता लोग हैं ना, बार बार अपना विवादी भाषण, विवादी बोल, विवादी बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं, क्योंकि चर्चा में आते हैं। और चर्चा में आने का क्या फ़ायदा होता है, मैं आपको ये बताता हूँ। महीना दो महीना पहले किरण यादव, ये देख लीजिए, किरण यादव है जो चर्चा में आई थी। हर न्यूज़ चैनल जहाँ भी सर्च मारो किरण यादव, किरण यादव के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। कुछ दिन पहले करीबन 9-10 लाख रुपया जो सॉरी 9-10 लाख उसके फॉलोअर थे, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले इनको चर्चा में ला दिए। उसके बाद आज के डेट में देखिए 1,24,00,000 826 जने फॉलोअर हैं उनके। 1 करोड़ आम नागरिक है, कोई बड़ी हस्ती नहीं है, नहीं कोई बड़ी नेता है, नहीं कोई इसके बारे में कोई ऐसी बड़ी चीज़ से जुड़ी हुई नहीं है, पर फिलहाल आज के डेट में 1 करोड़, ये देखिए 1 करोड़ इनके फॉलोअर्स हैं, 1,24,00,000। इसमें इन ये कुछ खास लिखती भी नहीं है कि हम आपको बताएं कि ये चीज़ करती है, वो चीज़ करती है, या कोई नेता है इसके चक्कर में इनके इतने सारे फॉलोअर है। बस सिर्फ एक चीज़ लिखती है, बीजेपी आरएस से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो उस पर फौरन टिप्पणी करती है। कुछ समय पहले नेपाल से जुड़ी खबरों पर खूब टिप्पणी कर रही थी, आजकल बीजेपी और आरएस से जुड़ी कोई भी मुद्दा हो उस पर टिप्पणी इनका आता ही आता है। उनके चक्कर में इनके फॉलोअर्स इतने बढ़ गए, 1 करोड़ से ऊपर फॉलोअर्स है। इसलिए आप लोग को कोई ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि किरण यादव कोई बड़ी हस्ती नहीं, कोई इतना इनका रुतबा नहीं है, फिर भी इनके 1 करोड़ से ऊपर इनके फॉलोअर्स है। अब दोस्तों इतने फॉलोअर्स होने का मतलब तो आप ही समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि किरण यादव की चर्चा में आने का विषय क्या था। आप कोई भी ऐसा देखिए, किरण यादव के सर्च मारिए तो कितने किरण यादव इनके आ रहे हैं, पर उनका डुप्लीकेट तो बहुत सारा आईडी बना। उनका बहुत ऐसा वीडियो भी आया जो आपत्तिजनक हालत में थे, ये देखिए तत्काल महिलाओं का हक क्यों नहीं। इसलिए चर्चा में आने के लिए हर नेता उल्टा सीधा बयान देता ही रहता है। तो इसलिए दोस्तों हम आपसे बताना चाहेंगे कि उल्टा सीधा बयान के ऊपर ध्यान मत दीजिए। किरण यादव फिलहाल इतना चर्चा में आने का यही एक विषय है कि उनके सारे, जैसे कहा नाम है ना कि अगर आपके पास 10 दोस्त है तो कम से कम 2 दुश्मन ज़रूर होंगे। तो इस समय मानता हूँ कि बहुत सारे संख्या में मोदी जी के सपोर्ट में है, तो कुछ ना कुछ तो मोदी जी के दुश्मन भी है, इस बात को मानते हैं ना दोस्तों। तो बस यही एक चर्चा का विषय बना। अगर करोड़ों मोदी जी का चाहने वाले हैं तो कुछ ना कुछ तो उनके दुश्मन भी होंगे। जो भी उनके दुश्मन हैं इनके टिप्पणी को बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसे इनसे जुड़ी इनके पास ऐसी कोई खास जानकारी भी नहीं है, खास नॉलेज भी नहीं है, हिंदी भी टूटा फूटा ही आता है लिखा हुआ। इसलिए दोस्तों आप ध्यान दीजिए चर्चा में आने का क्या विषय होता है। इसलिए हम आपको किरण यादव की सच्चाई आपको बताया है। बस दोस्तों अच्छा लगे तो इसको बारे में लाइक कीजिएगा, और चर्चा में आने का मेन मुद्दा मैं आपको बताया हूँ। इसलिए कोई भी आदमी चर्चा में आता है, क्यों आता है और किस लिए आता है, अब तो आप समझ गए होइएगा दोस्तों। धन्यवाद, लाइक ज़रूर कीजिएगा।